हथकरघा गरीबी से लड़ने में एक अहम अस्त्र साबित हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन था। 7 अगस्त सन 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम हथकरघा दिवस की शुरुआत करते हुए कहा था कि खादी और हथकरघा उत्पाद भी वही उत्साह प्रदान करते हैं जैसा कि माँ के प्रेम से प्राप्त होता है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य स्वदेशी भावना को बढ़ाना है। हथकरघा उद्योग को महत्व देने के साथ ही इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। भारत की समृद्ध और विविध विरासत का स्मरण करते हुए हथकरघा दिवस के प्रत्येक संस्करण पर बुनकरों की हौसला अफजाई की जाती है, जिससे कि वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों का जुनून बना रहे। जैसे कि आपको पता है कि यह जो हथकरघा दिवस स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा है, 7 अगस्त 1905 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसी के याद में 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, और उसी के कड़ी में हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। और यह दिवस हमारे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है और इसके बहुत विशेष महत्व भी है। हथकरघा देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और देश में लोगों के लिए आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। हथकरघा के ये उत्पाद फनकारों के उन हाथों की तारीफ करते हैं जो करघे के ऊपर धागों से खेलते हैं और शानदार वस्त्रों की रचना करते हैं। इसीलिए हथकरघा के साथ जीवन बसर कर रहे बुनकरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहने की आवश्यकता है। इससे घरेलू उत्पादों की नई इकाइयां भी स्थापित होती रहेंगी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए और उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, खासकर क्लस्टर योजना चलाई जा रही है। इसके साथ साथ बुनकर परिवार के जो सहयोगी बुनकर हैं उनके बुनकरों को प्रोत्साहन के लिए उन्हें जो है 1,000 रुपये प्रतिमाह के दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बुनकर बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी इस बुनकर व्यवसाय की तरफ अग्रसर हो, इसके लिए उनको छात्रवृत्ति की भी एक सुविधा दी जाती है। इसके अलावा हमारे बुनकर परिवार की जो बेटियां हैं उनको उनकी शादी के लिए 30,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। इन सब योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा अपना हथकरघा व्यवसाय न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हम इस व्यवसाय को ले जा सकें, जिससे हमारा ये हथकरघा एक कंपटीशन के दौर से निकल के विकास की तरफ जाए, जिससे आने वाले सभी हथकरघा से जुड़े बुनकरों को इसका लाभ मिल सके। हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों को आजीविका प्रदान करता आया है। परंपरागत ढंग से यह हथकरघा उद्योग छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी परवान चढ़ रहा है। बुनकर समाज जो है आज जुड़ रहा है और नए रोजगार, नई रोशनी और नए विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हम लोग भी इसके प्रयासरत हैं, हमारी संस्था भी प्रयासरत है कि प्रधानमंत्री की मुहिम को और बुनकरों को रोजगार कैसे आगे बढ़ाया जाए और नई दिशा, नई योजनाओं से जुड़ा कैसे जाए। हथकरघा उद्योग को अब संरक्षित करते हुए बुनकरों के हुनर को अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार बुनकारी से जुड़े युवाओं को कई विभागों एवं संस्थाओं के माध्यम से शिक्षित प्रशिक्षित कर रही है। मैं बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। मैं बुनकर सेवा केंद्र का अंतर्गत जो भी ब्लॉक लेवल क्लस्टर या तो समाज के अंतर्गत जो भी बुनाई का ट्रेनिंग होता है, मैं उसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में बुनकरों को नए नए तकनीक से और सरल तरीके से नए नए डिजाइन बनाना सिखाता हूँ, जिससे कि उनका काम और आसान हो और अच्छी तरीके से उनके आय में बढ़ोतरी हो।
हथकरघा से जुड़े युवा बुनकर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होकर आज के वैश्विक बाजार के अनुरूप नए नए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर तरह की बनारसी सिल्क साड़ियाँ, फैब्रिक मटेरियल और ड्रेस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हथकरघा यहाँ जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ से जुड़ने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ अपने जैसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, कुछ उनसे सीखने, कुछ उनको बताने का मौका मिला है। और इसी हिसाब में, इसी लाइन में चलते हुए हम लोग कई सारी तरह के समय के हिसाब से बनारसी साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसका मॉडल फोटोशूट करवाते हैं। और इसके अलावा जैसा समाज में डिमांड होती है उसके हिसाब से तैयार करवाते हैं बनारसी साड़ी। नए डिजाइन और रंग से ये हथकरघा उत्पाद बाजार में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। पसंदीदा उत्पाद होने से इनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है। ऑनलाइन बाजार भी एक नया अवसर उपलब्ध करा रहा है। हथकरघा दिवस बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। बुनकरों को सरकार ने तो बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं बुनकरों के लिए, उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा तो उनको उससे दिलचस्पी होगी हैंडलूम से। इंडिया हैंडलूम भी भारत में उत्पादित होने वाले उच्च गुणवत्ता के हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके माध्यम से हथकरघा उत्पादों को काफी बढ़ावा मिला है। विभिन्न मेले और प्रदर्शनियों में भी इन बुनकरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इस प्रचार प्रसार से मांग बढ़ती है और उत्पाद की कीमत अच्छी मिलती है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इससे सभी भारत के नागरिकों को इसके प्रति जागरूकता होती है और हथकरघा का विशेष महत्व उन्हें पता चलता है और इससे बुनकरों को काफ़ी अच्छी पहचान मिलती है भारतीय स्तर पर, विदेशी स्तर पर, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके जो उत्पाद है उसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। और यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है जो हम लोग बुनकरों को एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म दिला रहे हैं। और भारत सरकार इसके प्रति, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय बुनकरों के प्रति प्रतिबद्ध है उनका सर्वांगीण विकास के लिए, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की जा रही है और लोगों में हैंडलूम के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। बुनकर हथकरघा की परंपरा को सुरक्षित और संवर्धित करते हुए वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार नई डिजाइन और इको फ्रेंडली रंग युक्त हथकरघा उत्पाद तैयार कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री के दिए मंत्र लोकल फॉर ग्लोबल को चरितार्थ कर रहे हैं।